नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, धान का जर्मिनेशन कैसे चेक करें हम इस वीडियो में जानकारी देंगे आपको। किसान भाइयों, आपका एग्रीकैन चैनल में स्वागत है। और अभी तक एग्रीकैन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूले। खेती की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारा वीडियो देखते रहा करें। आपके सामने प्लेट में 100 दाने हैं, ये देख सकते हैं कि 100 दाने हैं, धान है 100। आपके स्क्रीन में दिख ही रहा होगा ये 100 दाने हमने रख लिया है प्लेट में, गिनती करके पूरा एक एक दाना गिन के रखा गया है। और फिर हम इसमें पानी लेके आ चुका है। पानी लाके इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसमें पानी डाल दिए हैं हमने और कुछ टाइम के लिए फुला के रखेंगे। देखिए हम पानी डाल रहे हैं और ये कप से बाहर गिर गया था, फिर हम दोबारा डाल रहे हैं पानी और हमने डाल चुका है पानी। एक एक दाना को उंगली से हम डुबा देंगे और ये डुबा रहे हैं। फिर इसके बाद हम इसको कम से कम 8 घंटे के लिए हम इसको फुला के रखेंगे। हमने इसको फुला के रख दिया है, अब इसको 8 घंटे बाद हम देखेंगे, है ना किसान भाइयों। अभी हम इसको रखने जा रहे हैं और फिर इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। 8 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल के दिखा रहे हैं आपको। निकाल के अब हम इसको सूती कपड़े में डाल देंगे। ये आपके सूती कपड़े हैं और ये कपड़े में हम निकाल के पूरा एक एक दाना 100 के 100 दाने पूरे रख देंगे इसमें। और फिर इसके बाद हम आपको जर्मिनेशन इसका दिखाएंगे। इसको रखेंगे कम से कम 12 घंटे के लिए, तो इसमें जर्मिनेशन आपका कंप्लीट आ जाएगा। यह पूरे हम कपड़े में डालना है एक एक दाना किसान भाइयों। और यह दाना देख सकते हैं, हम एक एक दाना निकाल रहे हैं। 8 घंटे फुलाने के बाद में अभी इसमें रख दिया जाएगा और रखने के बाद में फिर आपको ये एक एक दाना हम दिखाएंगे। दाना क्या मतलब जर्मिनेशन आया कि नहीं आया और कितने दाने जर्मिनेशन आए आपको ये भी हम बताएंगे और कितने नहीं आए ये भी बताएंगे। और जर्मिनेशन चेक करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। और कोई भी प्रोडक्ट आप ख़रीद लें और उसको 2-3 दिन पहले आप ख़रीदें, 3 दिन पहले खरीदें, 3 दिन पहले ख़रीदने के बाद में आप उसका जर्मिनेशन चेक कर सकते हैं। और जर्मिनेशन अगर फॉल्ट होता है तो आप वापस कर सकते हैं। पैकेट के पैकेट, एक पैकेट फाड़े और उसमें से निकाल के और जर्मिनेशन चेक कर लें। हम इसको रखने जा रहे हैं 12 घंटे के लिए, कम से कम 12 घंटे हम इसको रख देंगे किसान भाइयों। और ये हम 12 घंटे बाद इसको खोल रहे हैं, आप देख सकते हैं 12 घंटे बाद आपको दिखाई देगा जर्मिनेशन, पूरा एक एक दाना जर्मिनेट होगा। आप ये देख सकते हैं कि ये एक एक दाना जर्मिनेशन दिख रहा होगा आपको किसान भाइयों। और हम एक दाना उठा के दिखा दे रहे हैं कि कितना मतलब उसका वो आया है, कण आया है दाने का, धान का। ये देख सकते हैं आप, स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें कण आ चुके हैं, ये स्पष्ट एकदम दिख रहा है, है ना किसान भाइयों। और ऐसे ही आप जर्मिनेशन चेक कर सकते हैं 2 दिन के अंदर। और ये देख सकते हैं हमने प्लेट में रख लिया है, एक एक दाना जर्मिनेशन दिख रहा है और यह जर्मिनेशन पूरे दाना है। और इसके चेक करने का सबसे सरल तरीका यही है कि प्रोडक्ट को 2 दिन पहले ख़रीदें और जर्मिनेशन चेक कर सकते हैं। और इसका वो दिखा देंगे कि हम कितना जर्मिनेशन आया है और कितना नहीं आया। ये देख सकते हैं पूरी जर्मिनेशन, एक 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 कण दिखाई दे रहे हैं जर्मिनेशन से। और यह हमने मात्र इसको हमने किया है 2 दिन के अंदर ही जर्मिनेशन आ चुका है। और ये देख सकते हैं कितने दाना होंगे जो कि जर्मिनेशन नहीं आए होंगे, 5, 5, 10, 5, 15 और ये 4 और हैं, 19 दाना जर्मिनेशन नहीं आए हैं। बाकी 100 दाने में मान के चलिए 81 दाना पूरे जर्मिनेट है। ऐसे ही किसान भाइयों जानकारी देखें कि मतलब कितने दाना जर्मिनेशन आते कितने नहीं, ये भी जम जाएंगे लेकिन इनको टाइम लगेगा थोड़ी किसान भाइयों, 2-4 दिन और लगेंगे जर्मिनेशन होने के लिए। हम इसलिए इसको अब आपके उसमें मतलब मिट्टी में डाल दिया जाएगा, तो मिट्टी में डालने के बाद इसका पता चलेगा जर्मिनेशन है कि नहीं है। वो आप देख सकते हैं अगली वीडियो में, हम अगली वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। और आपको अगली वीडियो चाहिए, तब तक के लिए धन्यवाद किसान भाइयों, हम आपसे अगली वीडियो में।